ओके सो स्कॉर्पियंस, ये आपका फेब्रुअरी की, ये आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग है और एक कार्ड निकालने लगी दो आ गए। ये कह रहा है कि आपका किसी से कुछ मनमुटाव होने के चांसेस हैं, झगड़ा होने के चांसेस हैं, आपको कोई दुख पहुंचाएगा, आपके बारे में पीठ पीछे बातें करेगा, आपको धोखा देगा। आप काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिटर्न आपको जो मिलना चाहिए, काम मतलब जितना आप काम कर रहे हैं उतने पैसे नहीं आ रहे, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। और ये कहता है कि अपनी ताकत को पहचानो, अपने अंदर की अग्नि को उजागर करो, अनलीश द वाइल्ड विद इन, और अपनी बात को सामने रखो और अपनी बात पर अटल रहो, अगर वो सही है तो। गलत बात की जिद करने को नहीं कह रहे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी डोमिनेटिंग और स्टबर्न और एडमेंट, आई एम आस्किंग यू टू बी असर्टिव। हिंदी में कैसे कहूँ नहीं पता, अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं दाल चावल खाना और आपको कोई चिकन करी खिला रहा है, तो आप कह दो नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, मैं दाल चावल ही खाऊंगा और मैं इसी में खुश हूं, आपको खाना है आप खा लो, वेस्ट होती है तो कचरे में डाल दो, मुझे नहीं खाना, मैं दाल चावल खाऊंगा अपनी बात। ओके, तो कई बार बच्चों के साथ करना पड़ता है, कई बार पेरेंट्स के साथ करना पड़ता है, कई बार स्पाउस या फ्रेंड्स के साथ भी करना पड़ता है। जैसे अगर फ्रेंड्स आपको फोर्स कर रहे हैं शराब पीने के लिए और आप नहीं पीना चाहते, नहीं पीनी है भाई, मेरे पीने से तेरे पेट में थोड़ी जा रही है, नहीं पीनी नहीं पीनी, तू पी ले तेरे को ज्यादा शौक है तो। यू अंडरस्टैंड, सो दैट्स कॉल्ड बीइंग असर्टिव। और लव से रिलेटेड, ओके, लव से रिलेटेड देर इज सॉरी, इट्स रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, मतलब कि आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है जिससे आपको प्यार हो सकता है, तो अनलीश द वाइल्ड विद इन, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, लेट गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। स्कॉर्पियंस वैसे भी बहुत पैशनेट होते हैं, वन टू पुट टुगेदर लॉट ऑफ पैशन दिस मंथ, सो एंजॉय योर मंथ ऑफ लव, गुड बाय। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो ginianeja.com के द्वारा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।